भाई साहब वो अपना आप तो आ गए, बड़ा अच्छा लगा। अरे वो मैं आप ही की निगाहें ढूंढ रही थी भाई, दिख नहीं सकता मुर्तजा आखा है। जी जी जी, वो तो वो दबा भी आपने लिखा था। हाँ हाँ, जरा वो जरा लाइन दो तो हाइए, गंगा वाली। हाँ, मैं भारत सबकी माँ है, गंगा सबका पानी। भारत सबकी माँ है तो गंगा सबका पानी, गंगा। और हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले हिंदुस्तानी। नमन करता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है सरकार का जीवन विवाह यानी आरंभ से दैनिक ग्रह से चालू हुआ, दादा के सानिध्य में दादा के प्राप्त हुआ। मुझे भी बड़ा सौभाग्य है मैं दैनिक ग्रह से मेरे पत्रकारिता की शुरुआत की, दादा का मुझे आशीर्वाद मिला, सानिध्य मिला और कभी कभी उनके साथ घूमने का भी अवसर मिला। जाट भी खाई प्यार, मैं दादा के चरणों में नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत पत्रकारिता में है उसकी बात धन्यवाद की जाएगी, क्योंकि अब वो पत्रकारिता नहीं है, ये जैसे सिखाई थी। अरे कुमार जी, हम ये चाहते हैं कि कोई संस्मरण आप अपना सुना दीजिए। दादा, दादा का संस्मरण ये है कि कभी कभी जनगणना से हम निकलते थे, सराबा सोसाइटी भी नहीं थी, बस से जाते थे तो अपनी उनके बाद लूला थी, लूला बैठा देते पास करते थे मोटरसाइकिल भी लाते, तो तिवारी चौक तक तो उनको लाते थे, वहाँ खिलाते खिलाते थे। उसके बाद धीरे से वो 10 रुपये पकड़ा देते थे, जाओ निकल जाओ। लेकिन आज तक हम क्या पूरे जो लोग भी गलत में काम कर रहे थे, उसके बाद हम लोग जा रहे चले गए, सब सीधे होते बातें। लेकिन दादा को हम लोग ये नहीं जान पाए, तमाम लोग दादा को जानते थे, कोई कह रहा था कि CID में, तो कोई कह रहा था बिजनेस में, तो कोई कह रहा था कि ये भले साहित्यकार है। दादा को खैर हम लोग भी नहीं समझ पाए, 5 साल उनके साथ समझ नहीं पाए, कोई रहस्यमय व्यक्तित्व थे। लेकिन इतना ज्ञान था उनके पास, अगर हमने कोई खबर लिख दी है, कोई फोटो ले आए हैं तो उस पर लिख रहे, कभी आत्मोत्साह नहीं करते थे आदमी को। एक घटना को मुझे भेजा, बोले खुद लिखो, तो हमने उनका सीधा जैसा माया उसे लिख दिया। उन्होंने उस पर गोला वाला बनाया, आपने कहा लग रहा स्टोरी आएगी। मैंने जब उसमें गणेश ठीक छप रहा था, जब गणेश आया तो मैं स्टोरी पे गया, जो था बताया हमने जरूर कि वहाँ ये हुआ, लेकिन स्टोरी मेरी छपी हुई मेरी नहीं है, पर पहली स्टोरी गणेश बाई लाइन मेरी थी। मैंने फिर जब मैं आया साथ में, मैंने कहा दादा मैंने कुछ लिखा नहीं, बाद में बाई लाइन भी दे दी, बोले इसी स्टोरी को अपनी कापी को 3-4 बार पढ़ो और फिर अगली स्टोरी जब लिखोगे तो फिर बताएंगे। दादा ये था कि कभी वो सिखाते थे जिसको सिखाना चाहते थे, सफा देते थे। अब की पत्रकारिता अगर दादा होते तो शायद आज की पत्रकारिता से वो संसार हो चुके होते। तो मैं दादा के चरणों में नमन करता हूँ और मैं जब भी इस कार्यक्रम जहाँ भी कार्यक्रम दादा का होगा मैं पूरे समय रहूँगा।